जय हिंद दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 को सॉल्व करेंगे और इसमें हमने फाइंड आउट करना है द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड बुक में दिया हुआ है, मैं सेकंड मेथड इसको सोल्व करूंगा। तो अगर हम मैं पुट करूं, पुट एक्स इक्वल साइन थीटा, तो आप यहां देख सकते हो कि जो थीटा का वैल्यू होगा या साइन इनवर्स एक्स होगा वो हमारे पास थीटा आएगा, आप यहां देख सकते हो। अब देखिए अगर x इक्वल साइन थीटा है तो डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल dx इक्वल डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा एंड द डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज d थीटा, ये होगा। तो चलिए अब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये होगा i इक्वल इंटीग्रेशन, जो एक्स का वैल्यू है वो है साइन थीटा इंटू साइन इन एक्स का वैल्यू है थीटा, ये थीटा होगा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का वैल्यू है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू और डी एक्स का वैल्यू है कोस थीटा इंटू डी थीटा, ये है। तो यहां पर ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा और इसका हमारे पास है रूट। तो ये i इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय, अब कोस स्क्वायर थीटा और इसका रूट, ये सिंपली कोस थीटा होगा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा, ये होगा। कोस थीटा से कोस थीटा सिंपली कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आएगा थीटा इंटू साइन थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन आप थीटा को मान लीजिए, सेकंड फंक्शन आप साइन थीटा को मान लीजिए। तो अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर हम यहां पर किस फॉर्मूले का यूज करें तो ये होता है इफ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स देन द इंटीग्रेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एच टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर होल का इंटीग्रेशन। मींस अगर हमारे पास थीटा है तो थीटा रहेगा एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन साइन थीटा है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारे पास कोस थीटा माइनस कोस थीटा, इसी प्रकार माइनस इंटीग्रेशन। अब जो थीटा का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो होगा 1 इंटू साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कोस थीटा इंटू डी थीटा और ये इक्वल होगा थीटा इंटू कोस थीटा माइनस दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस और जो इंटीग्रेशन होता है कोस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज प्लस साइन थीटा और ये होगा प्लस सी। तो ये इक्वल होगा थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस प्लस साइन थीटा प्लस सी। अब हम यहां पर साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा माइनस, अब थीटा का जो वैल्यू है वो हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स तो ये है साइन इनवर्स एक्स इंटू ये है जो वो है 1 माइनस, अब साइन थीटा का वैल्यू है जो वो हमारे पास एक्स है तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर
प्लस, और साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास एक्स है प्लस सी है, और आप देख सकते हो कि यही हमारे इस एग्जाम्पल का आंसर है।